है वो अनोखे लाल निर्लज जी। प्लीज प्रभुति जी, लड्डू के भैया को बचा लीजिए। आपको सिर्फ उस ऑफिसर से मिलना है on a candlelight dinner, that's all. हम सोच के बताते हैं आपको। लेकिन भाभी जी, आप ये नोट क्यों कर रही हैं? एक्चुअली तिवारी जी, मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की तैयारी कर रही हूँ। यस माचिस है क्या? सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। जो डब्बी होती है सिगरेट की, उस पर लिखा होता है। और मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो प्लीज स्टॉप स्मोकिंग, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ। सिगरेट तो मैं भी नहीं पीता, मगर हर आने जाने वाले से पूछ लेता हूँ माचिस है क्या, क्योंकि बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ। फिर एक काम कीजिए, आप सीधा जाएंगे ना, वहां पे एक चौक पड़ेगा, चौक से राइट लीजिए और वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर पे एक ईंटों का भट्टा है, वहां जाके ईंटों में फूंक लीजिएगा जो फूंकना चाहते हैं। जाइए। अजीब जाहिल आदमी, इतनी गर्मी में ओवरकोट पहने घूम रहा है, बताइए। चलिए भरभूति जी, हम तैयार हैं। अभी जी आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं और ये मौसम भी तैयार है। दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। क्या बोले? भाभी जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू। लेकिन बताना ही हमको कुछ अच्छा ना ही लग रहा है। भाभी जी, जैसा कैंडल लाइट डिनर, दैट्स ऑल। भाभी जी जरा सोचिए, आप होंगी, मैं होगा और मोमबत्ती और वो अफसर भी होगा ना। या? वो अफसर भी होगा, यस ऑफ कोर्स, वो भी होगा। अब बताना ही, लड्डू के भैया के अलावा इससे पहले हम किसी और के साथ बाहर ना ही गए हैं। भाभी जी कम ऑन, ये सिर्फ कैंडल लाइट डिनर तो है। और फिर मैं आऊंगा वहां पर, और क्या फर्क है मुझमें और लड्डू के भैया में, बताइए मुझे। देयर इज नो डिफरेंस, कम ऑन। दुनिया भर में अपनी इज्जत का फालूदा करने से अच्छा है कि भाभी जी को सारी बात सच सच बता दी जाए। अरे भाभी जी नाराज होंगी तो हो जाए, हम उनकी नाराजगी भी सह लेंगे। तिवारी जी, हाँ आप बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? जी भाभी जी, अब थोड़ा बेटर महसूस कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। भाभी जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, नहीं। तिवारी जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। मैं अनोखे लाल निर्लज को दुनिया के सामने ला के रहूंगी। भाभी जी, भाभी जी ऐसा कसम ना कीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते रहे, आपके पाँव पड़ते रहे, ऐसा कसम मत कीजिए। जी आप क्या कर रहे हैं? अब इन सब पे बुराई क्या है? बुराई बुराई यही है भाभी जी की, हम अनोखे लाल निर्लज नहीं है। भाभी जी आप इंटरव्यू से बचने के लिए बहाने मार रहे हैं। नहीं भाभी जी, हम बहाने नहीं बना रहे हैं भाभी जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तिवारी जी मजाक मत कीजिए, मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हैं। नहीं भाभी जी, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, हम
कसम खा के कहते हैं कि हम अनोखे लाल निर्लज नहीं है। बीवी की झूठी कसम कोई भी पति खा सकता है, बहुत आसान है। तो फिर हम आपकी कसम खा। तिवारी जी मतलब अम्मा की, पिताजी की, दादा की, दादी की कसम खा के कहते हैं कि हम अनोखे लाल निर्लज नहीं है। आप सच में अनोखे लाल निर्लज नहीं है? नहीं, हम निर्लज नहीं है। आप निर्लज नहीं है, आप एक नंबर के निर्लज हैं। आपने मुझसे झूठ बोला कि आप निर्लज हैं। आपको क्या बताएं भाभी जी, उस दिन हमने देखा कि एक लेखक के मुंह पर कालिख पोत दी गई है तो हम ये सहन नहीं कर पाए और हमने लज्जा छोड़कर निर्लज बनकर इसके विरोध करने की ठानी। लेकिन अब हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हमें दूसरे के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना भाभी जी। वेरी बैड, शेमलेस। मैं सोच रही हूं कि मेरे पड़ोस में एक बड़े लेखक हैं, लेकिन आप तो बड़े वाले। खैर छोड़िए भाभी जी, हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम आपको निराश नहीं करेंगे। ऊपर बैठिए आप, चुप रहिए। कुछ चाय पानी हो जाता तो आइए, चलिए दरवाजे पे आइए। I'm coming भाभी जी, अब चलिए, अब चलिए, चलिए। माचिस है क्या? मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि मैं सिगरेट नहीं पीता। और मेरी एडवाइस आपके लिए यह है कि आप भी अगर सिगरेट पीते हैं तो प्लीज स्टॉप स्मोकिंग, ओके? सिगरेट तो मैं भी नहीं पीता, मगर हर आने जाने वाले से पूछता हूँ माचिस है क्या, क्योंकि बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ। तुम क्या फूंक देना चाहते हो बताओ मुझे। नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे, तुम क्या फूंक देना चाहते हो बताओ। समाज में तुम जैसा जो कचरा भरा पड़ा है उसे मैं फूंक देना चाहता हूं। अब ये क्या बकवास कर रहा है बे? हैं? तू है कौन? तू है कौन? तू कौन है? मैं सीक्रेट एजेंट विभूति नारायण मिश्रा, समझा? आई कार्ड दिखा। हम सीक्रेट एजेंट्स के आई कार्ड भी सीक्रेट होते हैं, समझा? आई कार्ड दिखा। मम्मी मम्मी मम्मी, हाथ क्यों मोड़ रहे हैं? आ दिखा दीजिए ना भरभूति जी। आप तमाशा देखिए भाभी जी। आ ठीक बात दिखाइए। आई कार्ड। अरे तोड़ देगा क्या हाथ यार? ये तो। हाँ। हाँ तो भाभी जी आपसे क्या कह रहा था ये? सीक्रेट एजेंट है ये? सीक्रेट एजेंट नहीं, बीमा एजेंट है। देखिए भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भाभी जी के सामने मेरी इज्जत का फालूदा मत कीजिए ना प्लीज। अबे बेटा, अब तो भाभी जी के सामने तेरा फालूदा बनेगा, समझा? अबे तो है कौन है जिन्हें आराम कर रखा, हाथ मोड़ रखा, तो है कौन? जासूस, मैं हूं असली जासूस। मुझे सरकार ने तुम जैसे लोगों पर नजर रखने के लिए रखा है जो ऐसी सीधी साधी औरतों को बेवकूफ बनाते हैं, समझा? भाभी जी जोकिंग, ये मजाक कर रहा है, इज जोकिंग। भाभी जी इज अ सीनियर ऑफिसर, बता रहा था मैं आपको, सीनियर ऑफिसर यही है। ज्यादा नाटक मत कर, सीधे सीधे पुलिस थाने चल। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। भैया माफी मांगना है तो भाभी जी से मांग, समझा? जिसको तू बेवकूफ बना रहा था।
और ये सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैं सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ, मैं बीमा एजेंट हूँ, आई एम सॉरी। दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो सीधे थाने में डाल दूंगा, समझा? अरे बाप रे, आज तो हम बाल बाल बच गए। अगर हम भाभी जी के चरणों में ना गिरे होते तो हमारा तो जनाजा ही निकल गया होता। अगर मीडिया तक ये खबर पहुंच जाती तो मीडिया के सामने हमारा सारा झूठ सामने आ जाता, तो हमारी तो पूरे कानपुर में थू थू हो जाती, हमारा झूठ पकड़ा जाता। हाय दिया, अब काहे काहे थू थू हो जाती? अरे कुछ नहीं पगली, अगर हम ये अवार्ड लौटा देते ना तो पूरे शहर में हमारी थू थू हो जाती। दिया, तो आप ये अवार्ड ना ही लौटा रहे हैं? पगली, ये अवार्ड हमारी जान है, हम इसे कैसे लौटा सकते भला? प्रणाम भैया, भाभी माँ, चरण स्पर्श। सुखी रहो, सुखी रहो। भैया भैया, मेरा वो अवार्ड दे दीजिए, वापस दे दीजिए, पुताई हो गई। आपको पता नहीं है? आग क्यों मार रहे हैं भैया? मेरा नहीं तो क्या, वो आपका अवार्ड है? हैं? अरे भाभी माँ, मेरे घर में पुताई का काम चल रहा था ना, तो मैंने भैया को अपनी ट्रॉफी दी थी, दो दिन के लिए संभाल के रखने के लिए बस। दीजिए भैया दीजिए, मैं लेखक हूँ ना, कहानीकार हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ, स्टोरी राइटिंग, आई लाइक इट। भैया दीजिए दीजिए, वापस दीजिए। साफ सुथरा है ना, इस पे कलर गिर जाता है ना, गंदा हो जाता है। हैं? थैंक यू भैया, हैं? थैंक यू सो मच, आई लाइक इट। अच्छा भाई माँ, आप माँ जी सही कहती हैं। क्या कहती है पगली? बैल। अबे टिल्लू के बच्चे, तू फालतू की बकवास मत कर, हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुन। तू अंगूरी का दिवाली के एक दिन पहले का गांव जाने का टिकट करवा और दिवाली के दो दिन बाद का लौटने का टिकट करवा के तुरंत आ। तिवारी का बच्चा भाभी जी को दिवाली पर गांव भेज रहा है? अबे ट्रेन का नहीं मिल रहा तो बस का करवा। हे भगवान, अरे 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 क्या, अरे अबे यार, अरे ये क्या बदतमीजी है, ये हमारा मोबाइल तोड़ दिया आपने। I'm sorry, I'm really really sorry। मुझे एक बात बताइए, आप भाभी जी को दिवाली पर गांव भेज रहे हैं? जी हाँ, हम हर दिवाली को अंगूरी को अम्मा जी के यहाँ भेजते हैं। आप भाभी जी को गांव नहीं भेजेंगे? आप कौन होते हैं तय करने वाली कि अंगूरी कहीं नहीं जाएगी?
देखिए मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं हूँ तय करने वाला, बट मैं तो सिर्फ अनु के लिए बोल रहा था। अनु को एक कंपनी मिल जाएगी, अकेली बड़ी बोर होगी ना वो दिवाली के रोज। भाभी जी की हमें भी चिंता है, लेकिन हम क्या करें। वैसे हम अंगूरी के बारे में भाभी जी को बता चुके हैं, क्या भाभी जी को भी पटाखों से? नहीं नहीं, अनु तो बड़ा शौक है उसको पटाखों का। खैर वो तो खुद ही एक पटाखा है। क्या कहा भी आपने? कुछ नहीं, जाइए यहाँ से, जाइए, चलिए जाइए। और सुनिए जी, इस दिवाली भाभी जी कहीं नहीं जाएंगे। अरे यार अजीब आदमी है ये भी, भाभी जी कहीं नहीं जाएंगी, ऊपर से हमारा इतना महंगा फोन तोड़ के रख दिया था। हाँ हाँ अम्मा जी, हम दिवाली के पहले दिन ही पहुँच जाएंगे। हाँ हाँ बिटिया, वो तो ठीक है, लेकिन टिकट पक्का कराई कि नहीं? आ टिकट तो अभी तक ना ही हुआ है, और लड्डू के भैया टिल्लू भैया को बोले हैं। ओहो बहुरिया, टिकट पहले से ना कराना चाहिए, तुमको तो पता है कि त्योहार का सीजन चल रहा है तो टिकट सब फुल रहता है ना। अम्मा जी कोनो चिंता मत कीजिए, अगर वो बस और ट्रेन की टिकट ना ही मिले ना तो हम टैक्सी पकड़ के आ जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन उपायल को बोलना कि तुमको आके पहुँचा के जाए हैं। हाँ ठीक बा ठीक बा। अच्छा अम्मा जी बताइए हमको, वो बहुरी चाचा वहाँ पे है का? हाँ है ना, कहे का हुआ? नहीं 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 अम्मा जी, वो बहुरी चाचा है ना, वो अकेले है जो बहुत बहुत फटाके फोड़ते हैं, हमको उनसे बहुत डर लगता है। अरे बिटिया तुम चिंता नहीं ना करो, वो बहुरी को जो है हम अपने घर में एक अंधेरा कमरा में बंद कर दिए हैं। हाँ अब वो दिवाली के बाद ही बाहर आएगा। अरे रामकली तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो, हमको बाहर निकालो रामकली। अरे चुप रहो ना, अब तुमको दिवाली के बाद ही बाहर निकालेंगे। ए सुना बहुरिया, देखा वो बहुरा जो है उसका हम बंद कर दिए हैं। अम्मा जी ये बिल्कुल ठीक किए हैं, अम्मा जी हम बाद में कॉल करते हैं आपको। चल रामकले। अरे बुढ़वा तो चुप रहे ना, नहीं तो उठा के माथा फोड़ देंगे तुम्हारा। भाभी जी आपने मुझे देख के फोन क्यों छुपा लिया? वो का है, आप लड्डू के भैया का फोन तोड़ दिए ना, हमारा भी फोन तोड़ देंगे तो। अभी जी आपको पता है लड्डू के भैया उस फोन से आपको गांव भेजने के प्लान्स बना रहे थे, और मुझे कत्ते बर्दाश्त नहीं है कि आप मुझे छोड़ के गांव चली जाएं। का बोले? अभी जी आप घर की लक्ष्मी हैं, और दिवाली के रोज वो आपको गांव भेज रहे हैं, वो व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज। हां लड्डू के भैया ना ही भेज रहे हैं, हम खुद ही गांव जा रहे हैं अपनी मर्जी से। अभी जी आप इस दिवाली पे गांव नहीं जाएंगे, दैट्स फाइनल। नहीं नहीं भरभूती जी, हम यहाँ पे बिल्कुल भी ना ही रुकेंगे, कॉलोनी में सब फटाके फोड़ेंगे, उसकी आवाज हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, हम पगला जाते हैं। भाभी जी डोंट वरी, इस बार इस गली में कोई फटाका नहीं फोड़ेगा। हाँ ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ भाभी जी, मुझे कसम है इस दिवाली पे जलने वाली हर फुलझड़ी की, मुझे कसम है इस दिवाली पे रोशन होने वाले हर इनार की, इस मोहल्ले में इस गली में इस बार आतिशबाजी नहीं होगी, कोई सूती बम नहीं फटेगा, मेरा आपसे वादा है इस गली में इस दिवाली पे मातम होगा, मातम। भरभूती जी क्या बात करते हैं, आपको कुछ समझ में ना ही आता है। लक्ष्मी मैया इस दिवाली आप हम पर और लड्डू के भैया पर अपनी कृपा बरसा दो मैया, इस दिवाली पे हमारे घर आ जाओ लक्ष्मी मैया, हमारे घर आ जाओ। नारायण नारायण। प्रणाम पुत्री। पुत्री आपने इतने प्रेम से श्रद्धा भाव से लक्ष्मी माता को याद किया, तो लक्ष्मी माता साक्षात आपके सामने प्रकट हो गई, और हम नारद मुनि हम भी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। नहीं नहीं हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमको तो लग रहा है कि आप कोनो रामलीला के कलाकार हैं, है ना? नारायण नारायण। माते
पुत्री कितनी भोली है ना, इन्हें हमारी बातों पे विश्वास नहीं आ रहा। पुत्री हमारी बातों का यकीन कीजिए। हाँ पुत्री, हम माता लक्ष्मी और ये नारद जी ही हैं। आप भगवान हैं? ये तो कलयुग है, कलयुग यहाँ पे कितने पाप है, आप भगवान ही कलयुग में आ ही ना ही सकते हैं। सही कहा पुत्री, माना कि ये कलयुग है और यहाँ बहुत सारे पापी, पर कुछ लोग तुम्हारे जैसे भी तो हैं, निष्कपट प्रेम भाव वाले पवित्र हृदय के। नारायण नारायण। और पुत्री जब आप जैसे पवित्र हृदय के मनुष्य हमें याद करते हैं तो हम साक्षात प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण। हाँ मतबल का, आप सचमुच के नारद मुनि और लक्ष्मी मैया हैं? हाँ पुत्री। माते माते, पुत्री को हमारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है माते, इन्हें शीघ्र ही कोई चमत्कार कर दिखाइए माते। नारायण नारायण। अभी लीजिए। दिया, ये तो मेरिकल है, मेरिकल। मेरिकल नहीं पुत्री, वो मिरेकल होता है। सही पकड़े हैं। आदिया, ये तो सपना था। हाँ लेकिन क्या पता माँ लक्ष्मी सचमुच हमको आशीर्वाद दे गई हो तो।